बहुत सारे छात्र जो है अभी वीडियो नहीं देखते हैं, बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे देखते हैं वीडियो और बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए था, और बाद में हमको बोलते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक वीडियो में यहाँ पर इतना क्वेश्चन रहना चाहिए, आप इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। कब बोलते हैं? जुलाई के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे। अभी जो है वह सो रहे हैं बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम मिलिंग मशीन, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, मेजरिंग एंड चेकिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो है वह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो है सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चालू है, इसलिए आप अभी से इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। और यहाँ पर कमेंट में अगर आपको कुछ डाउट्स है तो ज़रूर बताइए। दोस्तों, यहाँ पर आपकी सीबीटी एग्ज़ाम के लिए कुछ गाइडलाइन होने चाहिए या कुछ आपको गाइडेंस चाहिए तो कॉमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 55 तक क्वेश्चन देखे थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, क्या हाउ मेनी सेट्स अवेलेबल इन अ टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज में कितने सेट उपलब्ध होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर टेलीस्कोपिक गेज में कितने यहाँ पर सेट अवेलेबल होते हैं या उपलब्ध होते हैं, 8 सेट, 10 सेट, 6 सेट या 5 सेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो टेलीस्कोपिक गेज होता है उसमें जो है यहाँ पर 6 सेट अवेलेबल होते हैं, यानी 6 सेट अवेलेबल होते हैं। टेलीस्कोपिक गेज कैसा होता है? देखिए, यहाँ पर इस प्रकार जो है टेलीस्कोपिक गेज होता है आपका, इसके मदद से जो है यहाँ पर स्लॉट्स की, या देखिए ज़्यादातर स्लॉट्स और रिसेसेस का यहाँ पर मेजर करने के लिए इसका जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द साइज अवेलेबल इन टेलीस्कोपिक गेज एज पर मिटिटिवो सीरीज 155। टेलीस्कोपिक गेज में मिटिटिवो श्रृंखला 155 के अनुसार क्या आकार उपलब्ध है, कौन सा आकार में उपलब्ध रहता है? 12 mm से 130 mm, 20 mm से 175 mm, 5 mm से 120 mm या 8 mm से 150 mm तक। तो यहाँ पर देखिए, जो टेलीस्कोपिक गेज होता है वह मिटिटिवो श्रृंखला 155 के अनुसार जो है वह कितने mm में अवेलेबल होता है? तो वह जो अवेलेबल होता है वह होता है 8 mm से लेके 150 mm तक, यह ध्यान में रखिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपको सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ साइज इन अ फिलर गेज एज पर IS 3175। IS 3175 के अनुसार फिलर गेज में कितने आकारों की सीमा क्या है, फिलर गेज में आकारों की सीमा क्या है? देखिए, जो फिलर गेज होता है उसमें जो है उसका जो क्या बोलते हैं आप, रेंज कितना होता है, यह यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर, यानी उसके साइज कहाँ से कहाँ तक अवेलेबल होता है, 0.001 mm से 0.05 mm तक, 0.01 से लेकर 0.3 mm तक, 0.03 से लेकर यहाँ पर 1 mm तक, 0.02 से लेकर 0.75 mm तक। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर सी, 0.03 से लेके 1 mm तक। कितना? 0.03 से लेके 1 mm तक जो है यहाँ पर यह रेंज में या यह आकारों की सीमा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टॉलरेंस इज मेंटेन टू मेक गेज कंपेयरिंग जॉब टॉलरेंस, जॉब टॉलरेंस की तुलना करने वाले गेज को बनाने के लिए किस सहिष्णुता रखी जाती है, यानी जॉब की जो भी टॉलरेंस होती है वह बनाने के लिए कितनी टॉलरेंस यानी सहिष्णुता रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1/10, 1/5, 100 या 1/8। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 1/10 जो है यहाँ पर सहिष्णुता यानी टॉलरेंस रखा जाता है।
गेजेस बनाने के लिए। हाउ मच डेप्थ कट इज अप्लाई टू फिनिश कट इन अ स्लॉट मिलिंग। स्लॉट मिलिंग में कट को पूरा करने के लिए कट की गहराई कितनी रखी जाती है? आपको तो मालूम है जो स्लॉट मिलिंग होता है उसमें रैम जो है वर्टिकली अप एंड डाउन करता है, और दूसरा क्या है उसमें जो कट की गहराई है वह कितनी रखी जाती है। देखिए यहाँ पर 0.4 से लेकर 0.5, 0.6 से लेकर 0.8, 0.5 से लेकर 1 mm तक, या 0.5 से लेके 0.75 तक। तो यहाँ पर उसके जो कट की गहराई है वह कितनी रखी जाती है, तो वह रखी जाती है 0.4 से लेके 0.5 mm तक, यहाँ पर जो है कट की गहराई रखी जाती है। देखिए यहाँ पर जो स्लॉट मिलिंग होते हैं उसमें जो है ज़्यादा हम कट नहीं लगा सकते हैं, उसमें जो है यहाँ पर 0.4 से लेकर 0.5 mm तक यहाँ पर कट कर सकते हैं। हाउ कैन यू चेक द विड्थ ऑफ अ की वे। आप चाबी गार्ड की चौड़ाई जांच कर सकते हैं, यानी किसका उपयोग करके यहाँ पर जांच कर सकते हैं। मान लीजिए यह एक स्लॉट है तो इसका यहाँ पर चौड़ाई जाँचना है, तो कैसे जाँच करेंगे आप? डेप्थ माइक्रोमीटर से, वर्नियर कैलिपर, इनर जॉ से, आउटसाइड माइक्रोमीटर से, या बोर डायल गेज से। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है पूछा है, चाबी घाट की चौड़ाई जांच करना है आपको, चाबी घाट की चौड़ाई जांच करना है। डेप्थ माइक्रोमीटर से हम डेप्थ चेक कर सकते हैं, चौड़ाई नहीं। साइड माइक्रोमीटर से आउटसाइड डाया चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर वर्नियर कैलिपर इनर जॉ से हम जो है यहाँ पर चाबी गार्ड की चौड़ाई चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है, सही में बताइए, ताकि आगे जाके आप जो है, बहुत सारे छात्र जो है अभी वीडियो नहीं देखते हैं, बाद में एग्ज़ाम के टाइम पर देखते हैं वीडियो और बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए था, और बाद में हमको बोलते हैं कि यहाँ पर एक वीडियो में यहाँ पर इतना क्वेश्चन रहना चाहिए, आप इस तरीके से पढ़ाना चाहिए। कब बोलते हैं? जुलाई के टाइम पे, जून जुलाई के टाइम पे। अभी जो है वह सो रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं। उनको जो है यहाँ पर बाद में वह जग जाते हैं, कब? जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल आता है तब जग जाते हैं और तब बोलते हैं। तब तो यहाँ पर समय निकल चुका रहता है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, इसलिए जाग जाइए, अभी से जाग जाइए और बताइए आपको यहाँ पर वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस चाहिए या और कुछ डाउट्स है तो कमेंट में बताइए। देखिए अगर आप अभी से तैयारी चालू करते हैं तो आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि आपको स्टडी कैसे करना चाहिए, जिससे कि आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ गियर आर इन ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स। ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के गियर होते हैं? वार्म गियर, रैक एंड पिनियन गियर, हाइपॉइड गियर, एंगुलर गियर। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, ऑटोमोटिव डिफरेंशियल गियर बॉक्स में किस प्रकार के यहाँ पर गियर होते हैं? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से गियर होते हैं? तो उसमें जो है हाइपोइड गियर होते हैं। कौन से? हाइपोइड गियर उसमें जो है अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शेयर करने से जो है आपका भी फ़ायदा है और आपके फ्रेंड का भी फायदा है, क्योंकि बाद में आप जो है इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं और यह जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।